हेलो गाइस, मैं हूं कुशल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुछ टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए घंटी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुछ टॉक में। आज की इस वीडियो में आप लोग को NIOS बोर्ड का जो है क्लास 12th का फिजिक्स का जो है सिलेबस दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग को वीडियो पूरा देखना होगा सिलेबस देखने के लिए गाइस। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और गाइज, ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार NIOS का एग्ज़ाम देंगे। क्लास 12th का सिलेबस है ये फिजिक्स का। जिन जिन लोगों का फिजिक्स नहीं है सब्जेक्ट, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, उनका टाइम वेस्ट होगा। मैं पहले ही आप लोग को बता देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं गाइस आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग BBOS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कोई भी स्टूडेंट, तो उनको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में, यहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन पेपर BBOS से लिस्ट मिल जाएगा। उसमें जाकर आप लोग यहाँ पर सारा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं। यहाँ पर सारा मिल जाएगा आप लोगों को 2019, 2020, 2021 तीनों साल का। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए BBOS का। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ गाइस। यहाँ पर मैं आप लोग को देखिए, यहाँ पर सिलेबस लेके आया हूँ क्लास 12th का फिजिक्स का। देख सकते हैं आप लोग, सीनियर सेकेंडरी कोर्स सिलेबस, कोड है 312 फिजिक्स का। ये है सिलेबस NIOS बोर्ड का। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस देखिए क्या है। कोर मॉडल्स देखिए, टोटल मार्क्स यहाँ पर 70 का है और मिनिमम स्टडी टाइम आप लोग को 225 आवर्स यहाँ पर चाहिए इसकी तैयारी के लिए। जो 70 मार्क्स इसलिए है क्योंकि बाकी मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ये टॉपिक है मोशन, फोर्स एंड एनर्जी। दूसरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ पर मैं सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगा, इसका आप लोग को PDF कहाँ मिलेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर तीसरा है टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे ही सारा टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें इस सिलेबस में एक और खास बात है गाइज, कि इसमें जो है उस टॉपिक के अंदर क्या क्या आप लोग को पढ़ना है वो भी दिया हुआ है, अलग अलग करके उस चैप्टर के अंदर का टॉपिक भी दिया हुआ है, मेन मेन टॉपिक। तो इस सिलेबस में यही खासियत है, जो बहुत बड़ा खासियत है कि उस टॉपिक को भी दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो आप लोग को चैप्टर के साथ साथ इसमें टॉपिक्स भी मिल जाएगा इस सिलेबस में। जैसे देखिए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन विद एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड इनर्सिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल, सेकेंड लॉ ऑफ विद कॉन्सेप्ट मोमेंटम एंड फोर्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रिक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, मोशन इन प्लेन। तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिए पूरा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ उसका सिलेबस पूरा। देखते हैं, वर्क इनर्जी पावर, ग्रेविटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, फिर मॉडल टू में है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके अंदर क्या क्या आता है वो सारा दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, फिर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर क्या है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम के लिए, ट्रांसफर ऑफ हीट। फिर चौथा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी दिया हुआ है इसमें सिलेबस में। इलेक्ट्रिक करेंट, केमिकल एंड थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो से ही नोट कर लीजिए कहीं पर। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड इट्स ट्रांसमिशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलास्टिक वेव, इसके अंदर जो जो मेन मेन टॉपिक है ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग को ये सब पढ़ना है। ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसे ये बहुत लंबा सिलेबस है,
16 पेज का है ये। ये देख सकते हैं एटम्स एंड न्यूक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वगैरह, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, इसके अंदर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिया हुआ है। तो इस सिलेबस में ये खासियत है कि चैप्टर के अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या क्या पढ़ना है, वो सारा दिया हुआ है इसमें क्लास 12th का ये फिजिक्स सिलेबस। बाकी सब्जेक्ट का भी मैं सिलेबस लाने का प्रयास करूँगा आने वाली वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ भी मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। और गाइज मैं आप लोग को बता दूँ कि जो इसका जो PDF का जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। तो गाइज आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आप देख सकते हैं आप लोग सिलेबस पूरा, मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को पूरा सिलेबस इसका। थ्योरी का हो गया, यहाँ पे देखिए फिजिकल करिकुलम फॉर प्रैक्टिकल वर्क, ये प्रैक्टिकल वर्क के लिए है। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल परफॉर्म एनी 6, ये जो दिया हुआ है 4 इधर और करके दिया हुआ है, इसमें से आप लोगों को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परफॉर्म एनी 6, मात्र 6 परफॉर्म करना है इसमें से, लेकिन आप लोगों को तैयारी पूरा करना है, कोई भी आ सकता है इसमें से, ये सिलेबस है एक तरह से। तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को इसमें से 6 परफॉर्म करना है। एक ग्रुप बी है, वो ग्रुप ए था, ग्रुप बी में भी परफॉर्म एनी 6 लिखा हुआ है इसमें से 10 में से। फिर ग्रुप सी है, इसमें भी परफॉर्म एनी 6 लिखा हुआ है। स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देख सकते हैं आप लोग, जो 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहता है थ्योरी के अलावा, वो जो है 20 मार्क्स कैसे होता है, वाइवा जो है 3 मार्क्स कराता है, रिकॉर्ड बुक से जो 3 मार्क्स कराता है, जो बुक्स आप लोग तैयार करते हैं, फिर 2 एक्सपेरिमेंट रहता है 14 मार्क्स, यानी कि 7-7 मार्क्स का दोनों जो रहता है एक्सपेरिमेंट रहता है। थ्योरी शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम ग्रुप, ठीक है। समझ गए 20 मार्क्स कैसे हुआ, ये 3 मार्क्स का जो है वो हो गया या वाइवा जो पूछा जाता है, फिर 3 मार्क्स का जो है रिकॉर्ड बुक, और फिर 14 मार्क्स का 2 एक्सपेरिमेंट 7-7 मार्क्स कराता है, तो टोटल मिला के हो गया ये 20 मार्क्स का, और 80 मार्क्स का जो है वो थ्योरी हो गया। ठीक है गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।